अरहर के खेत में पड़ा मिला 3 दिन से लापता हुए युवक का शव बुधवार को संदिग्ध परिस्थिति में लापता हुआ था। सैंथली निवासी ब्रह्म सिंह चौकी पुलिस पर 3 दिन पहले गुमशुदगी दर्ज कराने गए परिजनों से दुर्व्यवहार का आरोप। निजी कंपनी में कार्य करता था ब्रह्म सिंह, मानदेय के पैसे लेने कंपनी जाने के बाद से हुआ था लापता। मृतक के परिजनों का आरोप है कि कंपनी का ठेकेदार 3 महीने से ब्रह्म सिंह का शोषण कर रहा था। मेरा नाम अनूप सिंह भाटी है, मेरे चाचा हैं जो 3 दिन से लापता थे, इनका नाम ब्रह्म सिंह भाटी है। और ये जब हम पुलिस चौकी में गए तो वहाँ से पुलिस चौकी वालों ने मार के भगा दिया छोटे भाई वालों को। ये बड़े भाई हैं उनके, ये चाचा है मेरे पास। तो आज कहाँ पे मिली बॉडी है? विलेज सिकंदराबाद के पास में नॉर्मल स्कूल है, नॉर्मल स्कूल हरड के खेत में। क्या करते थे ये? नौकरी करते थे वहाँ पर। ये यहाँ इंडस्ट्री है, फैक्ट्री के सामने ये फैक्ट्री। लापता हो गए थे? लापता नहीं थे, पैसे लेने गया था ऑफिस पे, वहीं से इन्होंने लापता। ये 2 महीने से टॉर्चर कर रहे थे उसे, 6-7 महीने से पैसे नहीं दिए, उसकी घरवाली बीमार। कंपनी का नाम पता है सर, कौन सी कंपनी में काम करते थे? कंपनी का नाम नहीं है, जैन की कंपनी है, जैन कंपनी ये उसके सामने है, कदरिया के सामने है। अब आप कहाँ लेके जा रहे हैं सबको, पुलिस का क्या कहना है? बराबर बदतमीजी कर रही है पुलिस और थाने लेने के लिए तैयार नहीं है। अब कहाँ ले गए? फिलहाल पंचनामे की कार्रवाई के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। औद्योगिक क्षेत्र चौकी क्षेत्र से लापता हुआ था ब्रह्म सिंह सिकंदराबाद में, जिसका शव मिला है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के कंवरा गांव के पास स्थित अरहर के खेत का मामला। Time 24 न्यूज के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।